छपरा और मुजफ्फरपुर में कई जगह पर ईवीएम खराब, मतदान में देरी को लेकर मतदाताओं में नाराजगी। आठवें चरण के लिए इम्तिहान आज, 7 राज्यों के 64 सीटों पर मतदान जारी। बिहार की 7 सीटों पर सुबह 7 बजे से हो रहा है मतदान। आठवें चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर, सारण से राबड़ी राजीव प्रताप रूड़ी तो हाजीपुर से रामविलास पासवान की किस्मत का होगा फैसला। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों की खैर नहीं, प्रशासन ने देखते हुए गोली मारने का दिया आदेश, सुरक्षा में जवानों की 219 कंपनियां सेना। और राजस्थान एटीएस ने गया के शेर घाटी से एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, जयपुर बम ब्लास्ट के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वोटिंग लाइव में, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। तो बिहार की अगर सीटों की बात की जाए तो बिहार में 40 सीटें हैं, पांचवें चरण का चुनाव जो है वो आज हो रहा है, 7 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं। आपको बता दें कि 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, 2 घंटे बीत चुके हैं और 2 घंटे में अभी तक 4% मतदान हुआ है। सारण में 5% मतदान हुआ है, हाजीपुर में 6% अभी तक मतदान हुआ है, उज्जैनपुर में भी 5% मतदान अभी तक हुआ है। 8 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक कितने परसेंट वोट जो हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की 7 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आज सीहोर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर और उज्जैनपुर में सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। उज्जैनपुर में 5% मतदान हुआ है अभी तक। 8 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में कितने परसेंट वोट हुआ है वो आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि 7 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से चल रहे हैं। मोतिहारी के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे, मोतिहारी से खबर मिल रही है कि मोतिहारी में बूथ नंबर 50 पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया है, वोट का बहिष्कार किया है। और हकीकत यही है, मैं कुछ 2-2.5 हफ्तों से यहाँ पे कैंप किया हुआ हूँ, हाजीपुर में ही हूँ। जिस तरह से लोगों का रिएक्शन है, रिव्यूज है, जिस तरह से लोगों से बात होती है और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो एक तरफा माहौल है यहाँ पे। और पूरे बिहार की भी अगर आप बात करें और देश की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और रामविलास पासवान जी के नाम पर ही मतदान चल रहा है। हकीकत यही है, विपक्षी दल के नेता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मुझसे बड़े हैं, सम्मानित लोग हैं वो लोग, बट इस बार के चुनाव में ना नीतीश जी ना लालू जी कोई फैक्टर नहीं है। पूरी उम्मीद है, और बल्कि मैं आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करूंगा लोगों से, जितना उन लोगों में उत्साह है, एक बार फिर से हाजीपुर की जनता अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने जा रही है। तो नीतीश और लालू का कोई फैक्टर नहीं है ये कहना है चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, खुद जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पिता रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी खबर के बारे में हम आपको बता रहे थे, चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाया, और मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया है बूथ नंबर 50 पर। आपको पूरा का पूरा विश्वास है कि हाजीपुर का हाजीपुर अपना पुराना रिकॉर्ड 1977 का तोड़ेगा। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं चल रहा है, किसी का नहीं फैक्टर चल रहा है, यहाँ नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान फैक्टर चल रहा है। उम्मीद है कि जनता आपको समर्थन करेगी जी, उम्मीद है कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। अभी देख लीजिए सब जगह लाइन लगा हुआ है, लोगों से पूछिए, एक तरफा जा रहा है।
तो किसी का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ अगर फैक्टर है तो रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी की लहर है, ये कहना है रामविलास पासवान का। और बड़ी खबर के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, मोतिहारी से खबर मिल रही है जहाँ बूथ संख्या 50 पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के पकड़ी दयाल के बूथ संख्या 50 पर मतदाताओं ने किया है वोट का बहिष्कार। सहयोगी अमित है हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ खबरें मिल पा रही हैं? कि बिहार के पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव में बिहार के शिवहर में भी चुनाव चल रहा है, लोकसभा का मतदान शुरू है, आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। लेकिन इसी लोकसभा क्षेत्र के पकड़ी दयाल में बूथ नंबर 50 पे वोटर ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। वोटरों से जब पूछा गया कि आखिर किस वजह से आप वोट देने से इनकार कर रहे हैं, आप मतदाता हैं, इस बावजूद इसके किस वजह से आप वोट देने से इनकार, तो उन्होंने बिजली पानी और सड़क की समस्या बताकर वोट देने से साफ तौर से इनकार कर गया। हालांकि पदाधिकारियों का जमावड़ा वहां पहुंच गया है और वोटरों के मनाने में सभी पदाधिकारी लग गए हैं। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि बूथ संख्या 50 पर जहां मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया है, वहीं शिवहर में 167 पर बूथ संख्या पर भी वोट का बहिष्कार यहां पर मतदाताओं ने किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, क्षेत्र में विकास नहीं होने से वोट का बहिष्कार कर दिया है। रीगा विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला जहाँ बूथ नंबर 167 पर वोट का बहिष्कार किया गया है। सहयोगी सौरभ है हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, क्या कुछ खबरें मिल पा रही हैं जिस तरह से जनता ने वोट का बहिष्कार किया है? बता दें कि मतदान शुरू होने के बाद से वोट बहिष्कार का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और शिवहर लोकसभा क्षेत्र का जो रीगा विधानसभा है वहाँ 167 बूथ नंबर पे लगा लोग हंगामा कर रहे हैं और वोट बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि जो यहाँ पर जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का रहा है, उससे यहाँ के लोग महरूम रहे हैं और लगातार यहाँ पर 5 साल जो इनके सांसद रहे उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, जिनको लेकर इनकी नाराजगी और लगातार इसका विरोध ये कर रहे हैं और सीधा सीधा मतदान नहीं करने की बात कर रहे हैं। वही दूसरी ओर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का पटनाहा विधानसभा है जहाँ 145 नंबर बूथ पर भी कमोबेश वही स्थिति है, यहाँ भी लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं और यहाँ का जो मुद्दा है वो बिजली का, यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है वो तकरीबन 1 वर्ष से जला हुआ है और 1 वर्ष जीत जाने के बाद भी यहाँ पे लोगों द्वारा कई बार स्थानीय सांसद को भी इस मुद्दे के बारे में बताया गया, इसके बारे में कहा गया, लेकिन सांसद ने इसमें कोई पहल नहीं की और लगातार 1 वर्षों तक ये लोग बगैर बिजली के रहे हैं और यहाँ का ट्रांसफार्मर जला हुआ है और अभी भी इसी को लेकर ये मुद्दा बना और लगातार लोग बहुत बहिष्कार कर रहे हैं। जी सौरभ, अधिकारियों की तरफ से कोई समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है इन वोटर्स को? अब तक तो प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है, लेकिन आगे क्या रुख होता है, प्रशासन का किस तरह समझाने की कोशिश की जाती है और क्या ये वोट बहिष्कार करने वाले जो मतदाता है वो इनकी बात को समझते हैं? चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। तो आपको बता दें कि 2 जगह ये मामले सामने आए हैं जहाँ सीतामढ़ी में बूथ नंबर 147 पर वोट का बहिष्कार किया गया है, कई ऐसे मामले आए हैं। वहीं शिवहर में बूथ संख्या 50 पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया है और सभी का ये कहना है कि जो विकास है वो किया नहीं जाता, हमेशा नेता चुनाव के समय आते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं और जिस तरह से चुनाव समाप्त होता है, जीत जाते हैं नेता, उसके बाद गांव में आकर भी नहीं देखते कि जो जनता है वो किस तरह से यहां जीने के लिए मजबूर है, ना बिजली है ना पानी। तो आपको बता दें कि 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की और 40 सीटों में से पांचवें चरण का जो मतदान है वो चल रहा है, 7 बजे से 7 सीटों पर हो रहा है चुनाव। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी उत्साह
देखने को मिल रहा है। वोटर्स के बीच में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में वोटर्स पहुंचे हुए हैं अपने मतदान को देने के लिए, अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए। मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प यहाँ पर है। मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो अजय निषाद बीजेपी से चुनावी मैदान में है, अखिलेश सिंह हैं कांग्रेस से चुनावी मैदान में, वहीं विजेंदर चौधरी जदयू से चुनावी मैदान में है। हालांकि अगर जनता की यहाँ पर बात की जाए तो जनता का यही कहना है कि जब बारिश होती है तो उसके समय जो जल जमाव की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, जिस तरह से सड़कों पर पानी भर जाता है, वो यहाँ का मुख्य मुद्दा है। सात सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। सातों सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। समस्तीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समस्तीपुर में भी लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, मतदान कर रहे हैं। काफ़ी उत्साह यहां पर भी देखा जा रहा है। समस्तीपुर में बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर पुरुष, हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। और युवा वोटर्स की अगर बात की जाए या जिन्होंने पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया है, वो बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उजियारपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 सीटों के पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा खिल रही थी कली कली, महके थी हर गली, उजियारपुर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उजियारपुर की अगर बात की जाए तो उजियारपुर में मुकाबला काफी दिलचस्प है। सत्ते पर साधन न्यूज के रिपोर्टर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उजियारपुर की अगर बात की जाए तो मुख्य मुकाबला यहाँ नित्यानंद राय बीजेपी से हैं, आरजेडी से आलोक मेहता और जेडीयू से अश्वमेध देवी के बीच जो मुकाबला है वो यहाँ पर है। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया, नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। 7 सीटें सुबह 7 बजे से चुनाव जारी है। सीतामढ़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी काफी उत्साहित जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, महिलाएं हो या पुरुष या फिर युवा वोटर्स। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर भी किए गए हैं, क्योंकि सीतामढ़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जो नक्सल प्रभावित है, ऐसी जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कई जगह से वोट बहिष्कार की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, कई जगह वोट बहिष्कार भी हुआ है। सीतामढ़ी की अगर बात की जाए तो सीतामढ़ी में 4 जगह पर ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं। 155 नंबर बूथ पर भी ईवीएम मशीन खराब हो गई है सीतामढ़ी में, तो इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरे राजा गए रानी गई अब तो। छपरा में भी कुछ ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं जहां पर ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई है और लोग काफी नाराज हैं, क्योंकि सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वोट नहीं डाल पाए, तो जाहिर सी बात है अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो गुस्सा चरम पर होगा, और वोट नहीं डाल पाए यहाँ पर इसलिए आक्रोशित नजर आ रहे हैं जो मतदाता हैं, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी यहाँ पर भी हुई है। यहाँ की अगर बात की जाए तो बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी हैं चुनावी मैदान में, राजद से राबड़ी देवी और जदयू से सलीम परवेज यहाँ पर हैं। हालांकि कुल प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और अमेठी का जो मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प है। अमेठी में भी आज मतदान चल रहा है। अमेठी में जहां राहुल गांधी हैं तो उनको कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास पर जताया है विश्वास। लेकिन विश्वास का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। करना पड़ेगा आसमान से सबको। 1200 गांव में गया हूं, 40 रात गांव में रुका हूं, 4 महीने गांव में पैदल पैदल घूमा हूं। हमने पहले ही कहा था
हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और बदल गई राजनीति, बदल गई अमेठी, झाड़ू चल गई अमेठी। अमेठी बनारस से या लखनऊ से या प्रतापगढ़ से 400 गाड़ियों में आदमी भर के हाथ हिलाने से नहीं बदलेगी। अमेठी बदलेगी लोनियापुर जाने से, अमेठी बदलेगी टिकरी जाने से, अमेठी बदलेगी गांव में रात गुजारने से। इतने बड़े मंच पे हाथ हिलाने वाले तो पहले भी यहाँ राहुल गांधी आते रहे हैं, इसलिए अमेठी झाड़ू पर निर्णय कर चुकी है। मेरा फोकस लोकतंत्र को मजबूत करने का है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देना चाहिए, महिलाओं को, युवाओं को, ये मेरा लक्ष्य है। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का 8वां दौर है, 7 राज्यों की 64 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और अमेठी सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर आज वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से। बिहार की अगर बात की जाए 40 सीटें हैं, 40 में से 7 सीटों पर पांचवें चरण का चुनाव है बिहार में। वहीं उत्तराखंड में केवल 5 ही सीटें हैं और इन 5ों सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से। कुल 1773 नेता चुनावी मैदान में हैं। 8वें चरण में 543 संसदीय सीटों में से 502 पर चुनाव। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में मध्यांचल की 15 सीटों पर चुनाव है। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, फूलपुर, इलाहाबाद में आज चुनाव है। अंबेडकर नगर और कौशाम्बी में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। और हर कोई लोकतंत्र के महापर्व को धूमधाम से मना रहा है। हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई आज़ाद है, लेकिन अपने दिल से पूछिए कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं। अगर हम वाकई आज़ाद हैं तो ज़रा सोचिए कि किस तरह से जो भारत 1600 करोड़ का कभी साहूकार हुआ करता था, आज कैसे हो गया है करोड़ों का कर्जदार। आजादी के समय चर्चिल ने कहा था, भारत की सत्ता भ्रष्टाचारियों, दुष्टों, बदमाशों और मुफ्तखोरों के हाथों में चली जाएगी। हवा को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर टैक्स होगा। एक टुकड़ा रोटी और एक बूंद पानी के लिए नेता जनता को चूसेंगे। भारतीय नेता कम क्षमता वाले होंगे। एम्बिशन नहीं, मिशन हमारी प्रेरणा कि प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, जो जवान के मीठे और दिल के काले होंगे। आपस में लड़ेंगे बिल्कुल निश्चित, और जनता को भी लड़ाएंगे। और एक दिन भारत राजनीतिक झगड़ों में उलझ कर रह जाएगा। हमें कितना सही पहचाना था उस अंग्रेज ने, उस समय भारत 1600 करोड़ का साहूकार था, आज कई लाख करोड़ का कर्जदार है। तब कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलता था, आज करोड़ों बेरोजगार हैं। तब पढ़ने वाले नहीं मिलते थे,
आज स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलते हैं। तब कोई भूख से नहीं मरता था, आज रोजाना ऐसी खबरें सुनने को मिल ही जाती हैं। तब मिनटों में न्याय मिलता था, अब एक दशक लग जाता है। तब दुश्मन बनकर गोरे हमें लूटते थे, आज दोस्त बनकर हमारे अपने हमारा खून चूसते हैं। तब हम में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, आज सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही नजर आती है। इस हाल में भी पहुंचने पर हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, कि हम आजाद हैं, कि हम आजाद हैं। इस हाल में जिन्होंने हमें पहुंचाया वो भी आए दिन कहते हैं हम क्रांति लाएंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे, हर पेट को रोटी देंगे, हर तन पर कपड़ा होगा, हर सिर पर छत होगी। ना गुलामी अच्छी थी, ना अंग्रेज, वे पराए थे, राज करने आए थे, हम पर कहर ढाया, पर लाखों शहीदों की कुर्बानी देकर जो आजादी हमने पाई थी, जो सपने हमने देखे थे, 67 साल पूरे होते होते इतने डरावने क्यों हो गए? दिल्ली से साधना न्यूज के लिए सूरज कुमार दास की रिपोर्ट।